हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस. हियर आई एम ट्विंकल कुलकर्णी विथ यू ऑल डिस्कसिंग टुडेज न्यूज़पेपर. सो इट्स 20th ऑफ अगस्त. विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. आवर फर्स्ट न्यूज, हमारी पहली न्यूज क्या कहती है? एचसी ग्रांट्स टेम्पररी रिलीफ टू सिद्धारमैया. वी ऑल नो अबाउट द कर्नाटका केस. हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है कि कर्नाटका के सीएम को वहाँ के गवर्नर ने प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर दिया था. क्यों? क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट एमयूडीए में देखा गया था, दैट इज मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी. वहाँ की साइट अलॉटमेंट में वहाँ के सीएम का इन्वॉल्वमेंट देखा गया था, जिस वजह से वहाँ के गवर्नर ने, कर्नाटका के गवर्नर ने सिद्धारमैया जी को प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर दे दिया था. बट रिसेंटली कर्नाटका के हाईकोर्ट ने टेम्प्रेरी रिलीफ दिया है सिद्धारमैया जी को. ये न्यूज़ पॉलिटिकली है, ये हमारे यूपीएससी से रिलेटेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है गवर्नर, जिसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है. सो आप 18th ऑफ अगस्त की क्लास को एक बेहतर तरीके से देखिए, ताकि आपको गवर्नर का टॉपिक क्लियर हो जाए. उससे रिलेटेड ग्रे एरियाज क्या है, या गवर्नर किस आर्टिकल्स के थ्रू ये पावर एक्सरसाइज करता है, या कौन कौन से ऐसे केसेस है जो गवर्नर को, गवर्नर से और सीएम से रिलेटेड है, जहाँ पे पहले भी गवर्नर ने ऐसे ऑर्डर्स को पास किया है. अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं. सेक्सुअल अब्यूज रैम्पेंट इन मलयालम फिल्म डॉम रिपोर्ट. The KEMA Committee on Report on the Issue Faced by Women in the Malayalam Film Industry has revealed horrid tales of sexual exploitation, illegal bans, discrimination, drug and alcohol abuse, wage disparity, and in some cases, inhuman working condition. Recently, a KEMA Committee formed की गई थी, जो जिनका काम था मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है जो है उस पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि विमेंस को फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि इनह्यूमन वर्किंग कंडीशन, वेजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, ड्रग्स से रिलेटेड, इलीगल बैंस करना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इन सारी प्रॉब्लम्स को लेके एक कमेटी बनाई गई थी, के हेमा कमेटी, जिसकी रिपोर्ट आ गई है. उन्होंने रिपोर्ट में ये कहा है, The industry is in the clutches of certain male producers, directors and actors whom a prominent actor referred to as mafia as they could ban anyone. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पूरी मलयालम इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो सर्टेन पीपल ऑफ है, कुछ ही लोगों की मुट्ठी में है. वहाँ पे कुछ ऐसे हीरोज हैं, कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कि पूरी इंडस्ट्री को चलाते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं. सिमिलरली वो अपनी पोजिशन का फायदा उठाते हुए इलीगल बैन भी कर देते हैं. कुछ फीमेल एक्ट्रेसेस पे इलीगल बैन करते हैं, मतलब विदाउट एनी रीजन दे आर बैंड. कॉन्ट्रेरी टू द अदर फील्ड्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट स्टार्ट्स इवन बिफोर अ वुमन स्टार्ट्स वर्किंग इन द फिल्म इंडस्ट्री, as demands for sexual favors are made by very well known people in lieu of roles. similarly इस इंडस्ट्री पर एलर्ज भी किया गया कि जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हमें हर जगह देखने को मिलता है, उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में भी विमेन के एंटर करने के पहले ही अगर उसे लीड रोल चाहिए या कुछ अच्छे रोल्स चाहिए, तो उसे जो वहाँ के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको सेक्सुअल फेवर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं. इस पूरे आर्टिकल ने, इस पूरी जो कमेटी, उसने क्या क्या और अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं, या क्या मेजर चेंजेस लाने की बात की गई है, इसे आगे क्या है आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, हम इसे फिर से देखेंगे. देन नेक्स्ट आर्टिकल, 30 डेथ्स इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स ड्यूरिंग मॉनसून, डिजीज्ड स्किन स्लैम लैक्सिटी ऑन पार्ट ऑफ सिविक एजेंसीज. Over the past nearly 1.5 months of monsoon, Delhi has seen nearly 30 rain-related deaths. The victim families and friends have alleged that these deaths could have been prevented had civic authorities not been neglected in desilting and covering drains, taking care of exposed electricity wires
and surveying buildings to find which ones were prone to collapsing. ये पूरी न्यूज दिल्ली से रिलेटेड है कि दिल्ली में कुछ जो वहाँ की सिविक बॉडीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करती हैं या जो लोकल बॉडीज हैं, उन्होंने अगर नेग्लेक्टेंस नहीं किया होता तो जो इस वन एंड हाफ मंथ के मानसून पीरियड में हमें डेथ कैजुअलिटीज देखने को मिली हैं वो अवॉइड की जा सकती हैं. सो बेसिकली वी नीड टू रिफॉर्म अवर सिविक पैटर्न्स, उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी वर्किंग कंडीशंस, वो अपना वर्क किस तरह से परफॉर्म करिए या उन पर किन का कंट्रोल है, इन सब चीज़ों को चेंज करने की, मॉडिफाई करने की ज़रूरत है ताकि जो कैजुअलिटीज हम अवॉइड कर सकते हैं उन्हें हम अवॉइड कर पाए. नेक्स्ट आर्टिकल, यमुना वाटर्स टू रीच शेखावती सून, राजस्थान सीएम. द यमुना वाटर इन एक्सपेक्टेड टू अराइव सून इन राजस्थान शेखावती रीजन फॉलोइंग एन एग्रीमेंट साइंड रिसेंटली विद द हरियाणा गवर्नमेंट फॉर इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ स्टेट्स इंटायर शेयर ऑफ वाटर एज पर द 1994 यमुना वाटर एग्रीमेंट. द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर विल रिजॉल्व द इशू ऑफ शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग and irrigation water in the four districts of Shekhawati region. The Shekhawati region, situated at the edge of Thar Desert, has been facing water scarcity since long. हमारे लिए यूपीएससी हैक के अकॉर्डिंग जो प्लेसेस इन रीजन रही हैं वो हमेशा से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है. यूपीएससी उन रीजन से, उन प्लेसेस से क्वेश्चन पूछती आई है. तो इसी तरह से एक शेखावती रीजन न्यूज में बना. शेखावती रीजन जो है वो राजस्थान के थार डेजर्ट के एज पे लाया करता है और उस रीजन में स्कैसिटी ऑफ वाटर ऑब्जर्व की जाती है, मतलब वहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है. इसलिए 1994 के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो यमुना रिवर का वाटर है उसे अब शेखावती रीजन तक पहुँचाया जाएगा ताकि वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की जो स्कैसिटी है, जो प्रॉब्लम है और जो इरिगेशन से रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उसे रिजॉल्व किया जा सके. नेक्स्ट आर्टिकल, हेमा पैनल रिपोर्ट वॉरंट्स स्पेशल प्रॉप. ये फर्स्ट जो हमने न्यूज पढ़ी थी रिगार्डिंग द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री एंड द सेक्सुअल हैरेसमेंट दैट आर फेस बाय द वीमेन, उसके बारे में आगे की रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस हैं. द पब्लिकेशन ऑफ द के हेमा कमेटी रिपोर्ट ऑन इश्यूज फेस बाय वीमेन इन मलयालम सिनेमा वॉरंट्स अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिगेशंस ऑफ sexual harassment. The panel, which had stated that it had avoided recording the names and other details of the witnesses in these statements, concluded that it was satisfied that women face sexual harassment, even very well known people in the industry. इस कमेटी का कहना ये है कि जो पहले इश्यूज चल रहे थे जिनको हम शायद की कंडीशन पे डील कर रहे थे, मतलब शायद मलयालम इंडस्ट्री में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है या नहीं, उस चीज़ को उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई मलयालम इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और उसके लिए रिकमेंडेशन इन्होंने क्या दी है. कॉन्स्टिट्यूट SIT, इट वॉज द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट पुलिस चीफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू प्रॉप द एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट विच इज अ कॉग्निजिबल ऑफेंस. सेक्सुअल हैरेसमेंट जो कि एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है उसको डील करने के लिए जो स्टेट की गवर्नमेंट है, जो स्टेट की पुलिस पूरी फोर्स है, उसे क्या कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, SIT, दैट इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दैट विल डील विद द एलिगेशंस जो कि वीमेन के द्वारा फाइल किए जा रहे अगेंस्ट एनी ऑफ द फिल्म इंडस्ट्रीज पर्सन. द गवर्नमेंट शैल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेट द क्रिमिनल एक्ट्स इंक्लूडिंग द अलेज्ड इंस्टेंस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन. The Supreme Court had earlier clarified that no FIR could be registered based on a commission's report. However, the government shall order a criminal investigation into the deposition made before the panel and also initiate steps for bringing the legislation. Hima report ke according,
हमें इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एसआईटी फॉर्म करना चाहिए, प्लस इसे एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, अगर एफआईआर कोई फाइल करना चाहता है तो एफआईआर फाइल करके उसे एज अ क्रिमिनल ऑफेंस डील करके जल्द से जल्द उस केस को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. देन नेक्स्ट आर्टिकल, प्रोटेक्टिंग इंडियन कैपिटल इन बांग्लादेश. We all know about the issue that the Bangladesh is facing. Bangladesh is our neighbor country, जहाँ की recently जो PM है उन्हें resign करना पड़ा और वहाँ पे एक interim government का formation किया गया है. जो ex-PM रही थी शेख हसीना, वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में रही है. इंडिया के फेवर में रहने के कारण, इंडिया के उनके साथ relations बहुत अच्छे बेहतर होने के कारण, जब से उन गवर्नमेंट फॉर्म हुई है फ्रॉम लास्ट 15 to 20 ईयर्स, इंडिया ने अपना काफी सारा इन्वेस्टमेंट वहां के अलग अलग सेक्टर्स में कर रखा है. बट रिसेंटली वहां के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया फॉर द रिजर्वेशन कोटा सिस्टम, फॉर डिफरेंट डिफरेंट करप्टेड थिंग्स एंड करप्टेड इलेक्शन दैट वॉज कंडक्टेड फॉर द इन द जनवरी मंथ ऑफ 2024. उन सबके चलते वहां पे जो पॉलिटिकल हेड है पीएम है शेख हसीना, उन्हें रिजाइन करना पड़ा. अब जो वहां की ऑपोजिशन पार्टी है वो इतनी ज्यादा इंडिया के फेवर में नहीं है, तो इंडिया के फेवर में ना होने के कारण अब जितना भी इन्वेस्टमेंट वहां पे हुआ है उस पर अब क्वेश्चन मार्क अराइज हो रहा है कि क्या वो इन्वेस्टमेंट सेफ है, क्या हमें वहां से रिटर्न मिल पाएगा, या अगर नहीं भी मिल पा रहा है तो हमारे पास क्या प्रोविजन है जिससे हम वहां से अपना इन्वेस्टमेंट वापस निकाल सकते हैं, या स्टिल वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रॉफिट का ही सौदा साबित हो. इस पूरी चीज को डिस्कस करने के लिए ये आर्टिकल है. सो हाउ दिस विल इंपैक्ट इंडियन कंपनीज ऑपरेटिंग इन बांग्लादेश. इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन बांग्लादेश इन सेक्टर्स सच एज एडिबल ऑयल, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स इन विच इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन द बांग्लादेश. लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स. There are basically three basic principles, three basic legal frameworks broadly applied to foreign investments. First, the domestic laws for the country where the investment is made. Second, contracts may have been signed between the foreign investors in the government of the host state or among foreign investors and companies of the host state. Third, the international law contained in applicable treaties, customs and general legal principles that have attained the status of international law. Basically, अगर कोई भी कंट्री किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल रहते हैं. दे आर थ्री लीगल प्रोटेक्शन. फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक लॉज ऑफ द कंट्री. सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड द थर्ड वन इज इंटरनेशनल लॉज. जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, दैट इज द डोमेस्टिक लॉज ऑफ द कंट्रीज. हम किसी भी होस्ट कंट्री के, होस्ट कंट्री मतलब ऐसी कंट्री जहां पे हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया है. जैसे इन दिस सिनेरियो इंडिया जो है वो कंट्री है और जो होस्ट कंट्री है वो बांग्लादेश कंट्री है. तो होस्ट कंट्री के डोमेस्टिक लॉज में हम ज्यादा अपने आप को रिलाय नहीं कर सकते. ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर होस्ट कंट्री में लॉस बने हुए हमारे प्रोटेक्शन के लिए, तो अगर हमारे रिलेशंस खराब भी हो रहे तभी भी वो जो लॉस है वो हमारे फेवर में काम करेंगे, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि वो लॉस चेंज हो सकते हैं. मतलब कि वो डोमेस्टिक जो होस्ट कंट्री है उसके अंडर में आते हैं तो वो अपने लॉस जब चाहे चेंज कर सकता है. सो जो पहला ऑप्शन है, जो डोमेस्टिक लॉज है किसी भी होस्ट कंट्री के, वो हमारे लिए वर्क नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि दैट कैन बी चेंज, मॉडिफाइड, अमेंडमेंट दैट विल बी फेवरेबल टू दैट पर्टिकुलर कंट्री. जरूरी नहीं है कि वो हमारे फेवर में काम कर पाए. सेकेंड ऑप्शन इज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. अगर जिस टाइम पे हमने किसी भी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं ट्रेड रिलेशन को लेकर के, बाई चांस हमारे जो रिलेशंस है वो खराब होते हैं या वो उतने फेवरेबल नहीं रहते हैं जितने कि उस टाइम पर थे जब हमने की ट्रेड पैक्ट साइन किया था, तो
जो वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है दैट कैन बी रिड्यूस्ड, मतलब कि फिर से जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी हमारे लिए उतना फेवरेबल नहीं रहेगा, मतलब कि उतने ज्यादा ऑप्शंस ओपन नहीं हो रहे हैं ताकि हम वो ट्रेड जो एक्सचेंज हो रहा है उसे हम अपने फेवर में कर सके। थर्ड ऑप्शन इंटरनेशनल लॉ, ड्यूरिंग द साइन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स इफ देयर विल बी एनी इंटरनेशनल लॉ दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन द ट्रेड एक्सचेंज, मतलब कि क्या है कि अगर जिस टाइम पे हमने किसी भी कंट्री के साथ साइन किया है अपना एग्रीमेंट, उस टाइम पे जो भी इंटरनेशनल लॉ चल रहा होगा या अगर वो ट्रेड इम्पैक्ट इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आता है तो हम उन इंटरनेशनल लॉ के थ्रू भी सिक्योरिटी ले सकते हैं। इसी तरह से बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी जो थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल लॉ, उसके थ्रू ही हमारे जो एक्सचेंजेस है उसे हम सेव कर सकते हैं या उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। PIT दैट इज बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इज अ ट्रीटी बिटवीन टू कंट्रीज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टर्स ऑफ बोथ कंट्रीज। PITs प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इम्पोजिंग कंडीशंस ऑन द रेगुलेटरी बिहेवियर ऑफ द होस्ट स्टेट, दस प्रिवेंटिंग अनड्यू इंटरफेरेंस विद द फॉरेन इन्वेस्टर्स राइट। These conditions include restricting host states from unlawfully expropriating investment, imposing obligations on host states to accord fair and equitable treatment to foreign investment and not to discriminate against foreign investment. PITs also empower foreign investors to directly sue the host state before an international tribunal if the investor believes that the host state have breached its treaty obligations. This is known as investor state dispute settlement. Basically, bilateral investment treaty के through जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा है बांग्लादेश में या बांग्लादेश के पीपल का जो पैसा इन्वेस्टेड है इंडिया में, that can be protected. उसमें क्या होता है कि अगर कंट्रीज ने bilateral ट्रीटी साइन की है तो उनके ऊपर ऐसे लीगल इम्पोजिशन हो जाती हैं चीजें कि आप फॉरेन कंट्री के पैसे को इलीगली तरीके से या अपने फेवर में टर्न आउट नहीं कर सकते, आपको तभी भी फ्री एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, मतलब दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुड बी यूज ट्रांसपेरेंटली वे एंड इन द फेवर ऑफ एवरी वन इन द इन जनरेटिंग द इक्वालिटी, मतलब कि ऐसा है कि जो भी पैसा भारत ने इन्वेस्ट किया है वहां पर वो ऐसे ही नहीं डूब सकता है, उसे फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिलेगा बांग्लादेश में, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, उसका एम जिस ऑब्जेक्टिव से हमने वहां पे पैसा लगाया है वही ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। अगर बांग्लादेश ऐसी कोई भी चीज को मतलब तोड़ रहा है, मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम वहां पर भी अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। इसे क्या बोला जाता है, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। हम लोग क्या हो जाएंगे, इन्वेस्टर बांग्लादेश क्या है स्टेट, तो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बायलेटरल ट्रीटी तो साइन की है बट उसके साथ साथ उन्होंने उसको आगे पढ़ते हैं, व्हाई इंडिया इज यूनिलेटरली टर्मिनेटेड ऑलमोस्ट ऑल इट्स BITs द वन विद बांग्लादेश कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। जो इंडिया ने बायलेटरल ट्रीटी साइन की है वो कई सारी जो दूसरी कंट्रीज है उनके साथ तो इंडिया ने हटा लिया, बट फॉर्चुनेटली जो बांग्लादेश के साथ ट्रीटी साइन है वो अभी भी फोर्स में है। अब आगे बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ट्विस्ट कहां पर आता है। द ज्वाइंट इंटरप्रिटेटिव नोट्स दैट इंडिया एंड बांग्लादेश अडॉप्टेड इन 2017 टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ वेरियस टर्म्स इन द 2009 ट्रीटी, दिस Joint Interpretive Notes, now a part of the BIT, was adopted at India's insistence.
as part of overhauling its investment treaty practice to safeguard its regulatory power, India proposed such GINS to several countries. This was done without considering whether India has an offensive or defensive interest with respect to a specific country. The GIN has diluted the investment protection features of the BIT. For instance, taxation measures are excluded from the ambit of BIT. हमने पहले समझ लिया bilateral investment treaty. कई सारी countries के साथ हमारी bilateral investment treaty signed की गई है. Similarly, 2009 में हमने बांग्लादेश के साथ भी BIT signed की थी. But in 2017 हमने joint interpretative notes बनाए थे जो कि BITs को कहीं ना कहीं dilute करते हैं. BITs के थ्रू जो हमें प्रोटेक्शन मिली हुई थी उन्हें डाइल्यूट करते हैं. उनमें से एक है टैक्स एम्बिट. बीआईटी से टैक्सेशन मेजर्स जो है वो एक्सक्लूड कर दिए गए. सिमिलरली कई सारे ऐसे और प्रोविजन है जिसकी वजह से जो इंडिया का पैसा इन्वेस्टेड है बांग्लादेश में उसे बीआईटी का उतना ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है. सो आगे की बात करें तो आखिर बिग पिक्चर में अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें कि आखिर बड़ा सिनेरियो क्या है, तो इंडिया इज अमंग द टॉप 20 कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. दस द इशू ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंडियन कंपनीज अब्रॉड एज्यूम सैलियंस. इंडिया शुड देयरफॉर इवॉल्व इट्स इन्वेस्टमेंट ट्रीटी प्रैक्टिस कीपिंग बोथ इट्स होस्ट एंड होम स्टेटस इन माइंड एंड जस्ट द फॉर्मर. आगे के लिए बात की गई है कि इंडिया जो है वो टॉप 20 कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में से एक है. मतलब कि जो इंडिया का कैपिटल है वो कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज में लगा हुआ है, एक्सपोर्ट किया हुआ है. सो अगर इंडिया कोई भी ऐसी ट्रीटी साइन करता है तो इंडिया को हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया एक इंडिया का जो मनी है वो वहां पे इन्वेस्टेड है. तो चाहे इंडिया कई बार होम स्टेटस भी बन सकता है, कई बार होस्ट स्टेटस भी बन सकता है. सो ऐसी ट्रीटीज को साइन करते वक्त दोनों स्टेटस को ध्यान में रख के ट्रीटीज बनानी चाहिए, साइन करनी चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो क्वेश्चन ऑफ एम्बिट के अंदर ना आए कि क्या वो प्रोटेक्टेड है या उस पैसे के साथ क्या होगा. वो एक पूरा लीगल प्रोटेक्शन के अंतर्गत ही काम करना चाहिए. सो दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल. सो हमने इसके थ्रू क्या क्या समझा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहली चीज. दूसरा कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं अगर दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस खराब होने के चांसेस है तो. तीसरा कि बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के थ्रू हमें क्या प्रोटेक्शंस मिलती है या क्या हम इसके इस ट्रीटी के थ्रू क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं ताकि हम अपने इन्वेस्टर्स का पैसा प्रोटेक्टेड रखें. और चौथा अबाउट द ज्वाइंट इंटरप्रिटेटिव नोट्स. So this was all about this article. Next, the tyranny of inequality. अब ये article क्या कहता है? Discuss करते हैं. This article talks about income or wealth accumulation also breeds serious offensive crimes. इस पूरे article में हम income का relation करप्शन से क्या है, मतलब कि अगर किसी भी पर्सन के पास बहुत ज्यादा इनकम एक्यूमुलेट हो जाए, मतलब एक छोटे से परसेंटेज ऑफ पीपल्स के पास मेजर चंक ऑफ इनकम एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इससे करप्शन पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या करप्शन बढ़ेगा या करप्शन कम होगा, इसे समझते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कंज्यूमर्स पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे, इनकम इक्वालिटी ब्रीड्स करप्शन इन द इंटरसेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, इन द अप्रूवल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय पब्लिक ऑफिशियल्स ऑफ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू बी बिल्ड बाय रिच एंड इन्फ्लुएंशियल प्राइवेट इन्वेस्टर्स. वंस रिच, द ग्रीड फॉर वन मोर वेल्थ नेगेट्स मोर क्वालम्स इन परसुइंग करप्ट स्ट्रैटेजीज. इंडीड, वेल्थ एक्यूमुलेशन बिकम्स ईजियर टू. एक सर्वे किया गया, कुछ रिपोर्ट्स बनाई गई, कुछ चीजें ऑब्जर्व की गई, उनके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है
कि अगर इनकम का मेजर चंक किसी कम यूनिट ऑफ पीपल्स के हाथ में आ जाता है, दिस कैन लीड टू करप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखा जाए तो जो कन्वर्जेंस ऑफ गवर्नमेंट है, इंटरसेक्शन ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट पीपल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, तो मेजरली इस रीजन में कई बार जो कंपनीज रहती हैं जो वर्क करने के लिए गवर्नमेंट में अपना नाम वगैरह देती है, तो अगर नाम के साथ साथ उन्होंने अपना पैसा भी दिया है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनको उनको प्रायोरिटी देती है, और थोड़ा सा पैसा देने की वजह से उनके पास और भी ज्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, और भी ज्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के, या फिर वेल्थ को और इजीली अपने पास अट्रैक्ट करके जमा करके रखने के लिए। अटेंशन, एन एस्टाउंडिंग एस्केलेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन इक्वालिटी इन इंडिया ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, स्पेशली बिटवीन 2014 एंड 2022, द टॉप 1% कंट्रोल मोर देन 40% ऑफ द टोटल वेल्थ इन इंडिया टूडे, अप फ्रॉम 12.5% इन 1980s. द टॉप 1% ऑफ इनकम अर्नर्स मेड 22.6% ऑफ द टोटल पर टैक्स इनकम, अप फ्रॉम 7.3% इन 1980s. इंडिया इज नाउ अमंग द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, येट फ्यू स्टडीज इन रीसेंट टाइम्स एनालाइज द परवर्स इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इस स्टडी का मानना ये है कि जो इंडिया है उसमें 2014 से लेकर 2022 तक जो करप्शन का लेवल है उसे बढ़ता हुआ देखा गया है, या फिर जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है उसे और भी ज्यादा बढ़ता हुआ देखा गया। इस स्टडी का मानना ये है कि जो 1% ऑफ पीपल है उसके पास मोर देन 40% ऑफ इनकम एक्यूमुलेटेड है, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन का 1% है जनसंख्या क्या, उसके पास पूरी टोटल जो नेट इनकम कहलाती है उसका 40% ऑफ जो शेयर है वो उस 1% लोगों के पास है, जिसकी वजह से जो इनकम इनइक्वालिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। जो गैप है इनकम का, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का लोगों के बीच, वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इनइक्वालिटी एंड करप्शन, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दिस। हायर इनकम इनइक्वालिटी फैट करप्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस इन द 2014 टू 2022 पीरियड। तो बेसिकली ये पूरा आर्टिकल करप्शन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। इसके लिए हमने किस मेथडोलॉजी का यूज किया है, जो रेशियोज रहते हैं 50% जो 1% जो पीपल है उनके पास जितनी इनकम है, और जो लोअर ग्रुप ऑफ पीपल्स है उनके पास जितनी इनकम अवेलेबल है, उन दोनों के बीच का रेशियो निकालकर हम इनइक्वालिटी को देखते हैं। देन अगर करप्शन हैज राइजन फॉलोइंग ग्लोबलाइजेशन एज नेचुरल रिसोर्सेज हैव बिकम मोर वैल्यूएबल एंड रेगुलेटरी एजेंसीज लाइसेंसिंग देयर एलोकेशन आर मोर सबसर्वीनियंट टू पावरफुल बिजनेस इंटरेस्ट एंड करप्ट पब्लिक ऑफिशियल्स। इस स्टडी का मानना ये है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे रिसोर्सेज की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ रही है, और उन रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडीज है या ऐसी बॉडीज जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करती है, जो कि उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का राइट्स प्रोवाइड करती है, वो कहीं ना कहीं जो मोस्ट पावरफुल पीपल्स है, जो करप्ट पब्लिक ऑफिशियल्स है, उनको ही वो रिसोर्स का राइट्स प्रोवाइड करती है। वी फाइंड दैट इनकम इनइक्वालिटी वॉज फ्यूल्ड लार्ज बाय स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट सच एज म्यूचुअल फंड वाइल सेविंग इन FDs एंड पोस्ट ऑफिस कर्व्ड इट। अब बात की जा रही है कि किस तरह से हम करप्शन को करप्शन के बीच में अगर कंपैरिजन देखें कि किन एक्टिविटीज से करप्शन कम होता है और किन एक्टिविटीज से करप्शन बढ़ता है, तो उनमें से पहला है इन्वेस्टमेंट मेथड। अगर आप किसी ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे जो रिस्क है
चाहे अपलिफ्ट होने का चाहे डाउन होने का बहुत ज्यादा है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करप्शन से ज्यादा प्रोन होते हैं, मतलब उनमें करप्शन होने के ज्यादा चांसेस है। अगर इसी चीज को कंपेयर करें हम एफडी से, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट से, तो उन उस टाइप के इन्वेस्टमेंट में करप्शन के चांसेस कम होते हैं। देन ट्रस्ट इन द जुडिशियरी वॉज ड्रिवन बाय द कन्विक्शन रेट एंड मॉडरेटेड बाय इट्स स्क्वायर, इम्प्लाइंग दैट ट्रस्ट रोज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। वी फाइंड द हायर इनकम इनइक्वालिटी कॉजेज वाइडस्प्रेड करप्शन व्हाइल ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन द जुडिशियरी कर्ब्स इट। अगर करप्शन कम करने की बात की जाए या करप्शन और जुडिशियरी के बीच की बात की जाए, तो जितने ज्यादा जुडिशियरी केसेस को सॉर्ट आउट करेगी, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगी, या जुडिशियरी पे जितना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट होगा उतना ज्यादा करप्शन का लेवल कम होगा। अगर जुडिशियरी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट कम है कि जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है वो प्रॉपर जजमेंट प्रोवाइड करती है, जस्टिस प्रोवाइड करती है, तो अगर ऐसा ट्रस्ट लोगों का कम है तो करप्शन बढ़ेगा। वेल द बजट मिस द अपॉर्चुनिटी टू टैक्स द रिच एट अ हायर रेट, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज रिमेन्स इन काइमेरा। बोथ अ मोर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्राइवेट बिजनेस आर डॉन्टिंग चैलेंजेस, बट देयर पोटेंशियल फॉर अ मोर प्रॉस्परस इंडिया इज हार्ड टू डिस्प्यूट। बेसिकली इस पूरे आर्टिकल की बात करें तो इनइक्वालिटी, करप्शन और इनकम वेल्थ के कारण जो इनइक्वालिटी जनरेट हो रही है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर इंडिया की बात की जाए तो फ्रॉम 2014 टू 2022 जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती हुई नजर आई है हमें, मतलब छोटे ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास, कम लोगों के पास बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेटेड है, और वेल्थ के एक्यूमुलेशन से कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ता हुआ नजर आया है। कुछ मेजर्स हमने देखे जो कि करप्शन को कम करता हुआ दिखाते, जैसे कि जुडिशियल सिस्टम पर ट्रस्ट, दूसरा इन्वेस्टमेंट कम है, थर्ड। विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अ चेंज इन इंडियाज पावर एक्सपोर्ट रूल्स। इस पूरे आर्टिकल में पावर एक्सपोर्ट रूल्स को, रूल्स के चेंजेस को लेकर बात की जा रही है। बेसिकली यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है गोडा प्रोजेक्ट का। जो गोडा प्रोजेक्ट है वो झारखंड में एस्टैब्लिश्ड एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पूरी एनर्जी हम बांग्लादेश को ट्रांसफर कर देते हैं। ये एक पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट है जो कि झारखंड स्टेट में हमने बनाया है, इंडिया ने बनाया है, और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट्स इस पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट से जितनी भी एनर्जी निकलती है वो पूरी हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट रूल में चेंजेस के कारण अब इस एनर्जी को हम बाहर एक्सपोर्ट ना करके जो हमारे लोकल पीपल्स हैं, जो इंडिया के सिटीजन हैं, उनको हम इस एनर्जी को सेल आउट कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिस्कस किया गया है और इस प्रोजेक्ट के क्रिटिक्स को भी डिस्कस किया गया है कि आखिर जो पावर अब बांग्लादेश नहीं हम सेंड करेंगे तो उसके फेवर में क्या स्टेटमेंट्स है। जैसे कि द क्रिटिसिज्म एमिनेटेड फ्रॉम द यूज ऑफ कोल इम्पोर्टेड फ्रॉम द केमिचल माइन इन ऑस्ट्रेलिया इन टू इंडिया टू प्रोड्यूस पावर फॉर बांग्लादेश। मानना ये है कि हम इस पावर प्लांट से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते थे उस एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम जो कोल इंपोर्ट करते थे वो ऑस्ट्रेलिया का था। मतलब पहला चीज, हमारा इंपोर्ट का जो फॉसिल फ्यूल्स का जो इंपोर्ट है वो कम होगा। सेकेंड थिंग, दिस पुश द हाई कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग कोल इनटू इंडिया प्लस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द बॉर्डर ऑन टू बांग्लादेश। जो पावर एनर्जी जनरेट होने के बाद जो ट्रांसमिशन में कॉस्ट लगती है वो भी काफी ज्यादा हाई है, तो अगर एक्सपोर्ट को कम करके हम इंडियन पीपल्स को भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उससे
पहली चीज तो ट्रांसमिशन कॉस्ट कम होगी, दूसरा जो एक्सपोर्टेड गुड्स हम जो इम्पोर्टेड गुड्स हम किसी दूसरी कंट्री को एनर्जी एक्सपोर्ट करने के लिए यूज कर रहे थे वो बल्कि एक्सपोर्ट में नहीं पीपल ऑफ इंडिया सिटीजन्स के लिए ही यूज होगा। द थर्ड थिंग इज इसका जो मेंटेनेंस चार्ज है, चाहे इस पावर जनरेटिंग कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, बट एक मिनिमल अमाउंट ऑफ जो मेंटेनेंस चार्ज है वो कहीं ना कहीं उस पर लगता ही था। तो इसकी इन सब चीज़ों की वजह से जो पावर की कॉस्ट है वो हाई हो जाती थी। सो अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एक्सपोर्ट रूल्स अब हम हमारी इंडियंस को ही इस एनर्जी के यूटिलाइजेशन के लिए प्रमोट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आखिर हम अपनी एनर्जी बांग्लादेश को क्यों एक्सपोर्ट करते हैं? उसका आंसर है अंडर यूटिलाइजेशन। जो बांग्लादेश कंट्री है वहाँ पे एनर्जी का अंडर यूटिलाइजेशन देखा गया है। हमने देखा है कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है कहीं ना कहीं वहाँ पे पावर कट की प्रॉब्लम, एनर्जी का प्रॉपर ना होना हमने देखा है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बांग्लादेश के साथ ट्रीटी साइन की और उन्हें पावर को प्रोवाइड करने में मदद की। तो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल। हमने समझ लिया गोडा प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ पे लाए करता है, इसके पहले रेगुलेशंस क्या थे और अब हम इसमें क्या चेंजेस लाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, हाउ द बनी ग्रासलैंड्स ऑफ कच्छ गुजरात कैन बी रीस्टोर। वी ऑल नो यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से वो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाता है और हमसे पूछते हैं। सो वन अमंग देम इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स की बात करें तो हमारे जो इंडिया का राजस्थान वाला रीजन है वहाँ पे एक ग्रासलैंड पाया जाता है जिसे बन्नी ग्रासलैंड कहते हैं। बन्नी ग्रासलैंड कई सारे रीजंस के कारण डिट्रॉयट हो रहा है या जो उसका इकोसिस्टम जो पूरा बन्नी ग्रासलैंड्स में रहता है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो उसको रिस्टोर करने की जरूरत है। इस पूरे किस चीज़ से बन्नी ग्रासलैंड को प्रॉब्लम हो रही है और उसे सॉर्ट आउट करने के लिए हम कौन से एक्शंस ले सकते हैं, पूरे उस चीज को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। आगे पढ़ते हैं हम इसे। ग्रासलैंड्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन सेमी एरिड एंड एरिड एरियाज एंड इंक्लूड सवानास, ग्रासी श्रबलैंड्स एंड ओपन ग्रासलैंड्स। दे हार्बर अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिक एंड आइकॉनिक स्पीसीज एंड ऑफर अ वैरायटी ऑफ मटेरियल एंड intangible advantages to the people, including several ecosystem services such as carbon storage, climate mitigation and pollination. Like other types of biodiversity, they face the problem of degradation due to deforestation, overgrazing, agriculture, urbanization and the natural and human-made reasons. As much as 49% of grassland areas worldwide are estimated to be experienced डिग्रेडेशन। सो ग्रासलैंड किस टाइप के रीजन्स में पाए जाते हैं? द आंसर इज सेमी एरिड एंड एरिड। ऐसे रीजन्स जहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड या सेमी एरिड टाइप की सिस्टम को सपोर्ट करता है। ऐसे रीजन्स में ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। सिमिलरली जो इंडिया का राजस्थान वाला रीजन है वहाँ पे बन्नी ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, लेकिन रिसेंटली वहाँ पे बन्नी ग्रासलैंड्स पे डिग्रेडेशन देखा गया है। उसके रीजन क्या क्या है? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, इंक्रीज इन ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमन इंटरफेरेंस, अर्बनाइजेशन। सो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से जो वर्ल्ड के 49% ऑफ ग्रासलैंड्स है वो कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया का टोटल 24% जो एरिया है वो ग्रासलैंड से कवर किया हुआ है। दे आर इंक्रीजिंगली थ्रेटेंड बाय एग्रीकल्चरल कन्वर्जन, ट्री बेस्ड प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स, इन्वेजिव स्पीसीज एंड मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। द इश्यू इज एग्जर्बेट बाय द स्ट्रॉन्ग बायस ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट।
बेसिकली जो इंडिया का 24% ऑफ रीजन है जो कि ग्रासलैंड्स के अंतर्गत आता है, उस पर कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन को देखा गया है। उसके रीजन है एग्रीकल्चर कन्वर्जन प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स, इन सब के कारण जो ग्रासलैंड है उसका जो इकोसिस्टम है, जो ग्रासलैंड्स एक पूरा अपना नीश क्रिएट करते हैं, वहाँ पे पूरी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। इस जो ये स्टडी की गई उसके अंतर्गत पूरे ग्रासलैंड वाले रीजन को 5 रीजन्स में डिवाइड किया गया, जिसको किस बेसिस पर डिवाइड किया है, रिस्टोरेशन के बेसिस पे। मतलब अगर हम पूरे बनी ग्रासलैंड को रिस्टोर करना चाहते हैं तो हम बेसिकली 5 रीजन्स में उसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हाईली सूटेबल, देन सूटेबल, देन मॉडरेटली सूटेबल, देन मार्जिनली सूटेबल, देन नॉट सूटेबल। इन 5 कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग हम अपने स्टेप्स लेंगे ताकि धीरे धीरे हम बनी ग्रासलैंड को रिस्टोर कर पाए। जो फर्स्ट की 2 कैटेगरीज है, हाईली सूटेबल और सूटेबल, उन्हें रिस्टोर करने के लिए दे कैन बी रिस्टोर इजिली बाय सिंपली प्रोवाइडिंग डैम विथ एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज, आइदर थ्रू इरीगेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत सिंपल सा स्टेप लेना है, रेन वाटर या हार्वेस्टिंग के थ्रू उन्हें इरीगेशन के एडिक्वेट रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करने हैं। देन दूसरे जो जोन्स हैं उनको रिस्टोर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टेरेसिंग विथ सप्लीमेंट्री इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड बाय प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हाई वाटर रन ऑफ एंड इरोजन एंड सॉल्ट इंट्रूजन, द रिसर्चर्स सेड। उनका कहना यह है कि बनी ग्रासलैंड के जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, उन्हें फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने हैं, दूसरा ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी है ताकि जो वाटर रन ऑफ है जिससे कि सिल्ट इकट्ठा हो रहा है, उन सबके सिल्ट इकट्ठा होने में, और जो सॉल्ट का इंट्रूजन है, वी ऑल नो जो सदर्न साइड है वहां पे ओशियन है, ओशियन से सॉल्ट वाटर काफी ज्यादा इंट्रूड कर सकते हैं, तो उसकी क्वांटिटी को भी चेक करते रहने ताकि सॉल्ट इंट्रूजन इतना ज्यादा ना हो। देन इन सब के साथ साथ इस स्टडी ने ये भी देखा है कि वहां की सॉइल का क्या टाइप है, वहां की सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया है, सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एंड 4 एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड कॉपर। इस स्टडी ने न सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये ऑब्जर्व किया है कि बनी ग्रासलैंड कहाँ पर है, बनी ग्रासलैंड में कितना डिग्रेडेशन हुआ है, या वहाँ की सॉइल की टाइप क्या है, या सॉइल को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो एक गैप रहता है उसे भी फुलफिल किया है कि उन्होंने सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स को और इन डेप्थ स्टडी किया है कि वहाँ पे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर्स और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं जिंक, कॉपर, उनका क्या कंपोजिशन है और किस तरह से वहाँ की सॉइल को और ज्यादा फर्टाइल बनाया जाए ताकि वहाँ के जो ग्रासलैंड्स है वो रिस्टोर हो सके। देन नेक्स्ट, एक्शन प्लान्स टू कंजर्व ग्रासलैंड विच हैव अ वाइटल रोल टू प्ले पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एज दे आर अ ग्रेट सोर्स फॉर सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात की जा रही है कि हम इतना प्रोटेक्शन की क्या प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर लिए, रिस्टोरेशन के वेज डिस्कस कर लिए, हमें अब ये बताया जा रहा है कि इतना ज़्यादा करने की जरूरत क्या है, क्यों? क्योंकि जो ग्रासलैंड्स रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के सिक्वेस्ट्रेशन रहते हैं, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है एटमोसफियर में उसको कहीं ना कहीं कम करने में मदद करते हैं। सो इस ग्रासलैंड्स के इस रोल को देखते हुए या उनके इको सिस्टम को देखते हुए, उनके अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी और किन टाइप की स्पीशीज को वो नीश प्रोवाइड करते हैं, इन सबको देखते हुए हमें ग्रासलैंड्स को कंजर्व करने की जरूरत है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। यूपीएससी के हिसाब से ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है एनवायरमेंट। सो बनी ग्रासलैंड कहाँ पे है,
इंडिया का कितना टोटल एरिया है जो ग्रासलैंड्स के अंतर्गत आता है, क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये पूरा हमने समझा। सॉरी, जो बनी ग्रासलैंड है जिसे मैंने राजस्थान में कोट किया था, दैट इज इन द गुजरात रीजन ऑफ कच्छ। इन सुप्रीम कोर्ट सेंटर डिफेंस 2019 लॉ क्रिमिनलाइजिंग ट्रिपल तलाक, द यूनियन गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट हैज जस्टिफाइड द लॉ क्रिमिनलाइजिंग ट्रिपल तलाक, सेइंग द प्रैक्टिस लेजिटिमाइज्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अबैंडनमेंट ऑफ वाइव्स बाय देयर हस्बैंड्स एंड वाज नाइदर इस्लामिक नॉर लीगल। In the 2017 case, Shaira Banu case, which has held triple talaq or instant talaq manifestly arbitrary, Supreme Court ने Shaira Banu 2017 case में triple talaq को criminalize कर दिया था। उसके ही बारे में ये पूरा article है। The government said all it did with the Muslim women Act 2019 was make a practice called manifestly arbitrary by the Supreme Court's a non-bailable criminal offense punishable with imprisonment for 3 years. Triple talaq was not a private wrong done to one woman, it was a public wrong which militates against the rights of women and the social institution of marriage itself. The center said the concept of crime keeps on changing with changes in the political, economical and social setup of the country. The 2019 law seeks to criminalize a practice which had neither legal nor religious sanction and is discriminatory towards married Muslim women. Basically, triple talaq ki ek practice hoti thi jiske according koi bhi Muslim man apni wife ko जस्ट बाय सेइंग तलाक 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 उसे अबेंडन कर सकता था या उसे छोड़ सकता था या उसके साथ डाइवोर्स कर सकता था। तो ये जो प्रैक्टिस थी इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनलाइज कर दिया था अपने केस 2017 के शायरा बानो केस में। तो उनका कहना ये है कि जो ये प्रैक्टिस थी वो ना तो इस्लामिक थी ना ही लीगली वैलिड थी, तो उसे डिक्रिमिनलाइज किया गया, 3 years की इसके अंतर्गत पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया। ऐसा मानना है कि समय के साथ साथ जो क्राइम्स है उनका भी जो व्यू है या जो करने का तरीका है वो चेंज होता है। जरूरी नहीं है कि हम अगर नाइफ लेकर किसी को स्टैप करें तो वही ही सिर्फ एक क्राइम के अंतर्गत कंसिडर किया जा सकता है। समय के साथ साथ क्राइम्स के भी फॉर्म चेंज होते जाते हैं। सो ट्रिपल तलाक भी एक तरह का क्राइम है, इसलिए उसे क्रिमिनलाइज किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल, टाइज विथ रशिया यूक्रेन स्टैंड ऑन देयर ओन सेंटर। इंडिया हैज सब्सटेंटिव एंड इंडिपेंडेंट रिलेशंस विथ रशिया एंड यूक्रेन दैट स्टैंड ऑन देयर ओन। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, नेक्स्ट वीक उनकी विजिट पोलैंड और यूक्रेन की तरफ देखी जानी है। मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो यूक्रेन और पोलैंड विजिट करने वाले। सो इसी के रिकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट आया है कि जो इंडिया है उसके टाइज यूक्रेन या रशिया, चूंकि हम सब जानते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में टशल चल रहा है, वॉर लाइक सिचुएशंस चल रही हैं, वो दोनों एक दूसरे पर आए दिन कुछ ना कुछ मिसाइल्स या रॉकेट से हमला कर रहे हैं या एक दूसरे के टेरिटरी पे कहीं ना कहीं इलीगली इन्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वॉर लाइक सिचुएशन के बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पोलैंड और यूक्रेन की तरफ जाने वाले हैं, पोलैंड और यूक्रेन में विजिट करने वाले हैं। सो कहना ये है कि इंडिया के रिलेशंस दोनों कंट्री के साथ अपने इंडिपेंडेंट है, उन दोनों के वॉर के कारण हमारे रिलेशंस उनके साथ कुछ इम्पैक्ट नहीं होंगे, बल्कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी रही है, जो इंडिया का हमेशा से चलन रहा है कि किसी भी चीज को डिप्लोमेटिकली बात करके सुलझाया जा सके, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट से हम देख सकते हैं कि उस जो टेंशन लाइक सिचुएशंस है उनको डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जा सके।
The meeting between Mr. Modi and Mr. Zelensky will provide an opportunity to review the entire gamut of relations, including agriculture, economy, defense, pharmaceutical, and people-to-people ties. So this was about this article कि PM मोदी की विजिट देखने को मिल सकती है. सो अलग अलग सेक्टर्स में हम देख सकते हैं कि अलग अलग एग्रीमेंट साइन हो और चेंजेस देखने को मिले. नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं. दैट टॉक्स अबाउट याक्स फ्रॉम चाइना स्ट्रे इनटू ईस्टर्न लद्दाख. जो ईस्टर्न लद्दाख का रीजन है वो चाइना की टेरिटरी से बॉर्डर शेयर करता है. सो कई बार जो इंडिया के जो लाइवलीहुड है, जो एनिमल्स है, वो बॉर्डर पार करके उस साइड चले जाते हैं और वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो उस साइड आ जाते हैं. सिमिलरली ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए. नेक्स्ट न्यूज़, कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरल एंट्री वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग UPA रूल, सेज अश्विनी वैष्णव. लेटरल एंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है उसे हम समझते हैं. इट वॉज द UPA गवर्नमेंट विच डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरल एंट्री. द सेकेंड एडमिन Administrative Reformers Commission was established in 2005 under UPA government. He said, the NDA government has created a transparent method to implement these recommendations. Recruitment will be done through UPSC in a transparent and fair manner. This reform will improve governance, he said. अगर बात की जाए lateral entry की, तो हमने रिसेंटली देखा यूपीएससी ने 45 पोस्ट पर लेटरल एंट्री ओपन की. लेटरल एंट्री क्या होता है कि विदाउट गिविंग एग्जाम्स कुछ एक्सपर्ट्स को कुछ स्पेशल पोजीशंस पे पोस्ट करना. तो ये जो प्रैक्टिस है इसे बेसिकली बोला जाता है लेटरल एंट्री. लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है. वहां पे पोस्ट को रिजर्व कैटेगरी के पीपल के लिए हमें रिजर्व करके रखने की जरूरत नहीं है. तो इसलिए ऑपोजिशन लीडर ने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट को या यूपीएससी को एलेज किया है कि आप एक ऐसा पाथ फॉलो कर रहे हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है. मतलब कि जो लेटरल एंट्री का सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है. तो उसके रिजल्ट में इन्होंने बताया, गवर्नमेंट ने बताया कि जो लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है वो आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है. 2005 के जो सेकेंड ARC थी उन्होंने ही इस लेटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को बनाया था, उन्होंने ही इस लेटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को चलाया था. जो अभी की गवर्नमेंट है उन्होंने बल्कि इसे और ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मैनर में करने के लिए यूपीएससी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि यूपीएससी इस लेटरल एंट्री के जो प्रोसेस है पूरी उसे यूपीएससी कंडक्ट करवाए. आगे और बात करते हैं लेटरल एंट्री के बारे में. फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर एम वीरप्पा मोली ऑन मंडे एक्नॉलेज दैट द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन चेयर्ड बाय हिम इन 2005 डिड रिकमेंड लेटरल एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड रोल्स दैट वर नॉट इजीली अवेलेबल विद इन ट्रेडिशनल सिविल सर्विसेज. Lateral entry was meant to be a value addition to the government appointment process. We had suggested a very transparent process for lateral induction. This was not bypassed the usual government recruitment process or for any political reason. We couldn't deal with the reservation aspect at all, the Congress leaders said. जो सेकेंड ARC के चेयरमैन रहे थे उनका स्टेटमेंट आया है कि जो लेटरल एंट्री का सिस्टम था, जो प्रोसेस थी जिसे हमने सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था, उसका रिलेशनशिप किसी भी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा को फुलफिल करना या फिर रिजर्वेशन को बायकट करना ऐसा कोई भी एम नहीं था. सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज में या गवर्नमेंट की स्पेशलाइज्ड पोस्ट में लोगों कुछ लोगों को अपॉइंट करना, पोस्ट करना इस जो लेटरल एंट्री का था ऑब्जेक्टिव यही रहा है. सो दिस वाज अबाउट द लेटरल एंट्री, उससे क्या प्रॉब्लम चल रही है और कब उसका फॉर्मेशन हुआ, किसने उसको रिकमेंड किया था, ये बताया गया. नेक्स्ट आर्टिकल,
General S. Padmanabhan, who led the army during Operation Parakram, passes away. This was news about the General S. Padmanabhan. Next article. Broadcasting bill only after wider consultation minister. Broadcasting bill, जो INB ministry है, उन्होंने broadcasting को लेकर के एक bill propose किया है, जो कि amendments को अमेंडमेंट्स लाने के लिए पार्लियामेंट में फाइल की गई है. इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसे हम समझेंगे. पूरा बिल पास हो जाएगा जब वो प्रॉपर अमेंडमेंट होके एक्ट बन जाएगा, तब उसके पूरे की प्रोविजंस को समझेंगे. अभी इसके बिल के प्रोविजंस को समझने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. कोई आपसे किसी बिल के प्रोविजंस नहीं पूछेगा. अगर वो बिल आगे चल के एक्ट बनता है, तब वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं. क्लीन गंगा मिशन हेड फ्लैग्स स्लो पेस ऑफ प्रोजेक्ट्स. द हेड ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द सेंटर मैथ्यू प्रोजेक्ट टू क्लीन द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन अ रीसेंट मीटिंग एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द टार्डीनेस ऑफ रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड इन वेरियस स्टेट्स अंडर द मिशन. 2015 में नेशनल नमामि गंगा मिशन लाया गया था. इसी के अंतर्गत जो गंगा रिवर है, जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, उन सब को क्लीन करने का मिशन चलाया जा रहा है. अभी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस की कमी को देखने को मिला है. तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नमामि गंगा मिशन कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है. Then next, price pressures continue to build up. The momentum of food price at 2.5% in July over and above the momentum of 2.7% recorded in June indicates continuing build up of underlying price pressures within the food groups, Reserve Bank of India officials led by Deputy Governor Satis. बेसिकली इस आर्टिकल से हमारे लिए दो चीजें समझने की बात है. कोर इन्फ्लेशन क्या होता है और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है. किसी भी कंट्री में जो बकेट ऑफ कॉमोडिटीज है, मान लो उस कॉमोडिटीज के प्राइस में अगर हाइप देखने को मिलता है, मतलब उन कॉमोडिटीज को परचेस करने के लिए हमें पहले से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे, तो उस चीज को कहा जाता है इन्फ्लेशन. ठीक है, इन्फ्लेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला है कोर इन्फ्लेशन, दूसरा हेडलाइन इन्फ्लेशन. डिफरेंस क्या है, कोर इन्फ्लेशन में सारी कमोडिटीज आती हैं एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी. ठीक है, कोर इन्फ्लेशन का जो बकेट ऑफ कमोडिटी है उसमें एनर्जी और फूड को नहीं इंक्लूड किया जाता है. हेडलाइन इन्फ्लेशन में एनर्जी और फूड दोनों को इंक्लूड किया जाता है. जो रोज की रेट्स में चेंजेस आते हैं कि क्या इन्फ्लेशन कितना बढ़ा कितना घटा, वो रेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए टर्म्स इम्पोर्टेंट रहते हैं जो कि उस पूरे एडिटोरियल या उस आर्टिकल में डिस्कस किए जाते हैं. सो बेसिकली इस आर्टिकल में जो टर्म्स यूज किए गए थे वो हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन है, जिसे मैंने आपको समझा दिया. देन नेक्स्ट आर्टिकल, ऑप्टिमाइज रिकवरी ऑफ लोन्स चेस डिपॉजिट्स. फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एक्नॉलेज पब्लिक सेक्टर बैंक्स एफर्ट्स टू इंप्रूव एसेट क्वालिटी विद नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिपिंग टू 0.76% बट एडवाइज देम टू ऑप्टिमाइज रिजोल्यूशन एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स एंड मेक कंसेंट्रेट एफर्ट्स टू स्प्राउस अप डिपॉजिट्स दैट आर लैगिंग क्रेडिट ग्रोथ. बैंकिंग सिस्टम को समझे तो जो भी लोग अपना डिपॉजिट वहां पे रखते हैं, जो भी पैसा अपना जमा करते हैं, वो बैंक के लिए एज अ एसेट वर्क करता है, और उसी एसेट के थ्रू जो बैंक है अपना बिजनेस कंडक्ट करती है, मतलब वही पैसा फिर लोगों को लोन में प्रोवाइड करती है. सो जो निर्मला सीतारमन जी का कहना ये है कि हमें अपने उन एसेट्स को, जो कैपिटल है जो कि आपको अवेलेबल हो रही है आगे के बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने की जरूरत है. दूसरी चीज, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनकी रिकवरी के लिए और काम करने की जरूरत पड़ती है.
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो पैसा मेरे पास डिपॉजिट होगा वो एक तरह का एसेट होगा। सो एसेट के बाद जब मैंने उसे लोन पे चला दिया, ठीक है, तो उस पूरे पैसे को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, SMA 0, SMA 1, SMA 2। अगर कोई भी लोन मैंने प्रोवाइड किया है, अगर 90 उसकी जो भी टाइम लिमिट है उसके बाद 90 दिन तक अगर वो पैसा मेरे पास रिटर्न नहीं आ रहा है, चाहे उसका इंटरेस्ट ना आए चाहे उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ना आए, तो उस एसेट को, उस पैसे को मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर रख देती हूँ। बेसिकली इस 90 दिन को तीन सब पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर पैसा 30 दिन तक वापस नहीं आता है तो उसे SMA 1 0 बोला जाता है, SMA मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। अगर 60 दिन तक इंटरेस्ट का पैसा या प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं आता है तो उसे बोला जाता है SMA 1 स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। तीसरा रहता है SMA 2, अगर पूरे 90 दिन हो गए हैं और पैसा वापस नहीं आया है तो उसे SMA 2 के अंतर्गत रखा जाता है और उस लोन को, उस बैंक के एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। सो इनका कहना यह है कि हमें अपने लोन्स को जो कि नॉन परफॉर्मिंग हो गए हैं उन्हें रिकवर करने के लिए और भी अच्छी प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि बैंकिंग सिस्टम स्मूथली वर्क कर सके। देन चाइनीज फिलिपाइन शिप्स कोलाइड इन साउथ चाइना सी। वी ऑल नो साउथ चाइना सी में चाइना और फिलिपींस के बीच में आए दिन टशल्स देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक ये न्यूज है कि चाइना और फिलिपींस के शिप आपस में कोलाइड हो गए। कौन से रीजन में? साउथ चाइना सी के रीजन में। नेक्स्ट, रशिया कैप्चर्स मेजर सेटलमेंट्स इन डोनेटस्क। अगेन प्लेसेस इन न्यूज से इंपॉर्टेंट है डोनेटस्क रीजन। डोनेटस्क रीजन यूक्रेन का एक रीजन है जिसे रशिया ने कैप्चर कर लिया है। अभी तक जो रशिया था वो वहां के छोटे छोटे सेटलमेंट्स को कैप्चर कर रहा था, बट डोनेटस्क रीजन में, ऐसा रीजन जहां पे मेजर पॉपुलेशन लिव करती है, ऐसे रीजन को रशिया ने कैप्चर कर लिया है, तभी यूक्रेन ने वहां डोनेटस्क रीजन को खाली करने की बात कही है। दिस वॉज अबाउट रशिया एंड यूक्रेन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। होप यू ऑल लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच। और इस तरह की बेहतर न्यूज, क्वेरीज, कोर्सेज से जुड़ने के लिए एग्जैक्ट IAS से जुड़िए। हमारे इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहे। स्टे ट्यून। होप यू ऑल लाइक द सेशन। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।